हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम समा के चावल का खीर बनाने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने चूल्हे पे ये हमने 1.5 लीटर दूध ले रखा है। हम चूल्हे को ऑन करते हैं। देखिए, हमने चूल्हे को ऑन कर दिया। नीचे पकड़ लिया है इसलिए आवाज कर रहा है बर्तन। हम अपना आपको चावल दिखा देते हैं। देखिए, ये समा का चावल है। इसको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया है। ये व्रत में खाया जाता है। व्रत के लिए हम खीर बना के तैयार कर रहे हैं। इसमें का हम पानी निकाल देंगे। देखिए, हम करीब से चावल दिखा देते हैं। ये समा का चावल है। इसको व्रत में खाया जाता है। दूध हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसको दूध में डालेंगे। इसको हम दूध में डाल देंगे। हम व्रत के लिए खीर बना के तैयार कर रहे हैं। डेढ़ लीटर दूध है। वजन से हम आधा पाव चावल डाले हैं। हमने माप से ये कटोरी ली है। इसी कटोरी से हमने 1 कटोरी चावल डाला। 1.5 लीटर दूध है। आप भी कोई भी माप से उसके अनुसार आप लेके बना सकते हैं। चावल हमने डाल दिया। इसको हमको लगातार चलाते हुए पकाना है। देखिए, इसको हमको थोड़े देर के लिए ऐसे ही लगातार चलाना है कि ये चिपके नहीं, अलग अलग हो जाएगा। तो हम इसको ढक के छोड़ देंगे थोड़े देर के लिए। चीनी हम अभी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा चावल हमारा पक जाएगा, उसके बाद हम अपनी इसमें चीनी डालेंगे, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेता है। देखिए, खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। इस समय हम अपनी चीनी डालेंगे और हमने ये बादाम और किशमिश, देखिए हमने ये बादाम काट के रखा है और ये किशमिश है। इन चीजों को हम डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा हम बचा लेते हैं इसको सजाने के लिए। और इस समय हम अपनी चीनी, आप मीठा अपने अनुसार डाल सकते हैं। हम चीनी डाले इसमें। हमको लगातार इसको चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा। देख सकते हैं आप, इसको लगातार चला के हम चीनी को गलाएंगे। कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी खीर। ऐसे करते हुए हमें चलाना है इसको। इसको हम वापस फिर से ढक दे रहे हैं पकने के लिए। देखिए, खीर हमारी बनके तैयार हो गई। हम दिखाते हैं, ऊपर उछाल मार रहा है। चूल्हे को हम बंद करते हैं। हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए कैसे बन गई है हमारी खीर, देख सकते हैं आप। खीर हमारी बनके तैयार हो गई। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसको हम सजा देते हैं। ऐसे करके इसको हम, देखिए हमने इसे सजा दिया।